9 सेकंड का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तूफानी रफ्तार से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक गाड़ी धीमी गति से सड़क पर चलती हुई दिखाई दे रही है और साथ ही सड़क पर एक बड़ा सा गेट भी है जिसके नीचे दो लोग काले कपड़े पहने हुए आगे बढ़ रहे हैं। तभी अचानक से एक बड़ा धमाका होता है जिसके बाद धुएं का एक बड़ा गुबार दिखता है। धमाके की आवाज को सुनकर लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। जहां गेट है उसी जगह पर एक तरफ उर्दू में कुछ लिखा हुआ दिख रहा है और जिस जगह ये बड़ा धमाका हुआ है देखने पर पता चलता है कि वो रियासी इलाका है। इस पूरे वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करके दावा किया जा रहा है कि पुलवामा में हुए आतंकी हमले का भारतीय सेना ने बदला ले लिया है। एक यूजर ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते समय लिखा है कि पुलवामा हमले का भारत ने ले लिया बदला, आतंक के गढ़ का किया खात्मा। वायरल हो रहे इस वीडियो का सच जानने के लिए हमने इसकी पड़ताल शुरू की। सबसे पहले हमने इस वीडियो को गूगल पर रिवर्स सर्च इंजन में तराशा तो ये वीडियो निकलकर सामने आया। दरअसल ये वीडियो पुलवामा हमला का नहीं है बल्कि ये सीरिया में हुए कार बम ब्लास्ट का है। पड़ताल में पता चला कि 12 फरवरी को तुर्की सीमा के पास सीरियाई शहर अल राई के पास चेक पॉइंट पर एक कार में बम धमाका हुआ था। अल राई में हुए धमाके का ये वीडियो ईरानियन ब्रॉडकास्टर प्रेस टीवी और रूसी ब्रॉडकास्टर आरटी के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड किया गया है। बता देंगे पुलवामा में हमला 14 फरवरी को उस वक्त हुआ था जब सीआरपीएफ के जवानों से भरी 78 बसें श्रीनगर जम्मू हाईवे से गुजर रही थी। उस वक्त आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के आतंकी आदिल अहमद ने गाड़ी में 100 किलो विस्फोट भरकर सामने से आ रही सीआरपीएफ की बस में टक्कर मार दी थी। इस हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे। जबकि सीरिया के अल राई शहर में 12 फरवरी यानी पुलवामा हमले से दो दिन पहले ही कार में बम ब्लास्ट हुआ था जिसके बाद इस वीडियो को कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर पुलवामा हमले का बदला बताकर पेश कर दिया। इसलिए हमारी पड़ताल में सामने आया कि इस वीडियो का पुलवामा हमले से कोई लेना देना नहीं है। युधिष्ठिर उपाध्याय, वीके न्यूज़।